नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यो पहाड़ी में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल कई सारी गतिविधियां करते रहता है, जिसमें हम आप लोगों को पहाड़ी गाने भी अपने चैनल पर दिखाते हैं, संस्कृति से रिलेटेड बातें भी दिखाते हैं, और खासकर हमारा जो अभी हमारा ये सेगमेंट चल रहा है, जिसमें हम आप सभी लोगों को डेली अपडेट्स दे रहे हैं, किस दिन क्या घटना हुई थी, किसकी मृत्यु हुई थी, किसका जन्म हुआ था, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि आज का दिन है 6 जनवरी, तो 6 जनवरी को क्या क्या हुआ था इसके बारे में आपको बताते हैं। 6 जनवरी 1964 को आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया था। आज ही के दिन 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसको हम भारतेंदु युग की शुरुआत भी बोलते हैं, जिन्होंने भारतेंदु युग की शुरुआत की थी, उनकी आज के दिन मृत्यु हुई थी। और आज ही के दिन 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम हिंदी में भारतेंदु युग की शुरुआत जिन्होंने की थी, राइटिंग में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, हिंदी राइटिंग को एक नए मुकाम की तरफ ले गए थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। और आज ही के दिन 1929 में मदर टेरेसा भारत आई थी, वो भी समंदर के रास्ते, वो कोलकाता में उतरी थी यहाँ के गरीब और असहाय लोगों की सहायता करने के। आज ही के दिन वियतनाम में पहला चुनाव हुआ था। आज ही के दिन सतवंत सिंह और कहर सिंह को 1989 में मौत की सजा सुनाई थी, दोनों को एक दिन मौत की सजा सुनाई गई थी। इन लोगों ने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की 1984 के दिन हत्या की थी। और आज ही के दिन अल्लाह रखा रहमान, A.R. रहमान जी का जन्म हुआ था। आप सभी जानते हैं A.R. रहमान जी को ग्लोबल अवार्ड मिला है, ये पहले भारतीय हैं जिसको ये अवार्ड मिला है। A.R. रहमान जी ने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पे काम किया है, ये संगीतकार हैं और ये गायक भी हैं। आप जानते हैं कि ऑस्कर के लिए हमारे यहाँ से स्लम डॉग मिलेनियम एक फिल्म गई थी, उसमें जय हो गाने को अवार्ड मिला था, वो भी इन्हीं की देन है। आज के दिन कपिल देव का जन्म हुआ था। आप सभी जानते हैं कपिल देव ने हमको वर्ल्ड कप जिताया है, 1983 में हमको एक ऐसी जीत मिली थी जिससे हमारे क्रिकेट का जो सिनेरियो है वही बदल गया था। और आज आप जानते हैं क्रिकेट कितना फल फूल रहा है और हमारी टीम विश्व की अच्छी टीमों में से एक है। और आपको बता दें कपिल देव की 175 की नॉकआउट पारी उस समय की पहली पारी थी जो खेली गई थी, दुर्भाग्यवश वो पारी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अगर आप चाहें तो वो अपनी 83 फिल्म आई है उसमें वो पारी को देख सकते हैं। और आपको बता दें ये वेदर फोरकास्ट है जो आज के दिन के लिए है, मतलब कि 2022, जो 2200 मीटर से ऊपर का क्षेत्र है उत्तराखंड का, तो मौसम विज्ञान का ये फोरकास्ट है कि आज के दिन यहाँ पे येलो अलर्ट है, जैसे चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में येलो अलर्ट है। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।